मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रणवीर ने अनुष्का की कंधे पर से अनीता को देखते हुए कहा, दरवाजे पर मत खड़ी रहो और उसे अंदर आने दो। अनीता मिठाई की प्लेट किचन में रखकर आती है तो देखती है कि अनुष्का ने अभी भी दरवाजा ब्लॉक कर रखा था। तो अनीता ने कहा, तुम क्यों दरवाजा रोककर खड़ी हो अनुष्का, रणवीर को अंदर आने दो। कोई नहीं आंटी, मैं ये यहाँ रख रहा हूँ, मैं बस ये देने आया था। रणवीर ने गिफ्ट्स के बैग दरवाजे के बाहर नीचे रख दिए। तुम हमेशा इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर आते हो, अनीता गिफ्ट्स को देखकर रणवीर को डांटते हुए कहती है। नहीं आंटी, ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, रणवीर अनीता को देखते हुए बोलता है। आंटी अब मुझे चलना चाहिए। अरे तुम इतना ट्रैवल करके आए हो रणवीर, तुम अंदर आकर थोड़ी देर हमारे साथ क्यों नहीं बैठते, अनीता ने प्यार से रणवीर को देखते हुए कहा। नहीं आंटी, मैं नहीं बैठ सकता आज, मुझे मेरे पेरेंट्स के पास भी जाना है, रणवीर ने स्माइल के साथ अनीता को कहा। ओह मैं तो भूल ही गई कि आज न्यू ईयर है, कोई बात नहीं तुम फिर कभी आना, मैं तुम्हें आज नहीं रोकूंगी, तुम्हारे पेरेंट्स भी तो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, मैं समझती हूँ, अनीता ने रणवीर को देखते हुए कहा। तभी अनीता ने रणवीर को एकदम से रोकते हुए कहा, रुको एक मिनट। फिर अनीता भागते हुए किचन में गई और दो मिठाई और गिफ्ट के बैग लेकर आई। उन्होंने फिर रणवीर को बैग देते हुए कहा, अच्छा ये लो, इसमें तुम्हारी फैमिली के लिए मिठाइयां हैं और कुछ गिफ्ट्स, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को ये पसंद आएंगे। आंटी मगर, रणवीर ने गिफ्ट लेने से मना किया मगर अनीता ने जिद की, नहीं तुम्हें ये लेने पड़ेंगे, तुम हमेशा इतने सारे गिफ्ट्स लाते हो, तो क्या उसके बदले हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। और तुम चिंता मत करो, वैसे भी ये तुम्हारे पेरेंट्स के लिए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। अच्छा अब चुपचाप इन्हें ले लो, अनीता ने जिद की। ठीक है आंटी मैं ये ले लेता हूँ, रणवीर ने स्माइल के साथ गिफ्ट्स लेते हुए बोला। अच्छा अनुष्का तुम रणवीर को बाहर तक नहीं छोड़कर आओगी, अनीता ने अनुष्का से कहा। रणवीर के पीछे पीछे अनुष्का उसे अपार्टमेंट के गेट तक छोड़ने के लिए गई। फिर रणवीर को बड़े ही चिढ़कर अनुष्का सी यू बोलकर वापस घर जाने को मुड़ी। तभी पीछे से अनुष्का की आर्म्स को रणवीर ने फोर्सफुली खींचते हुए बोला, अनुष्का रुको, मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, तो फिर तुम मुझसे क्यों इतनी नफरत करती हो, तुम मुझे अभी भी हर्ट क्यों कर रही हो। अनुष्का अपना हाथ रणवीर के हाथ से छुड़ाते हुए गुस्से से कहती है, तुम्हें लगता है कि मेरा ये बिहेवियर इसलिए है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, पर असल में बात तो ये है कि आई डोंट केयर अबाउट यू। अनुष्का की बात सुनकर रणवीर चुप पड़ जाता है और उसकी गर्म सांसें एकदम ठंडी पड़ जाती हैं। फिर रणवीर एकदम से कहता है, तुम लक्ष्य के साथ रिलेशनशिप में हो, तुम्हें पता है कि लक्ष्य ने अपनी फैमिली में आज अनाउंस किया कि अब उसकी गर्लफ्रेंड है। रणवीर ये कहकर अनुष्का के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखना चाहता था। अनुष्का के चेहरे पर अभी भी वो ही मासूमियत थी मगर अब उसकी आंखें रणवीर को उस चमक के साथ नहीं देखती थी जैसे वो पहले देखा करती थी। अनुष्का ने रणवीर की बातों पर रिएक्ट किए बिना ये सोचने लगी कि क्या सच्ची लक्ष्य ने हमारे बारे में अपनी फैमिली को बता दिया। अनुष्का एकदम शॉक थी कि लक्ष्य ने बिना किसी हेजिटेशन और डर के अपनी फैमिली में उन दोनों के बारे में अनाउंस कर दिया। मगर कहीं ना कहीं अनुष्का को खुशी थी कि अब वो लक्ष्य की फैमिली में उसकी गर्लफ्रेंड की तरह जानी जाएगी। अनुष्का अंदर ही अंदर खुश होकर अपने एक्सप्रेशन रणवीर के सामने आने से छिपा रही थी। और वैसे भी अनुष्का हमेशा से अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को काम रखने में एक्सपर्ट थी। अनुष्का के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ना देखकर रणवीर फिर से कहता है, लक्ष्य तुम्हारे साथ खेल रहा है अनुष्का, वो तुम्हारे लिए कभी सीरियस नहीं होगा, और अब तो उसे कोई और गर्लफ्रेंड भी मिल गई है जिसके बारे में उसने अपनी फैमिली को भी बता दिया है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। रणवीर ने अनुष्का की आंखों में देखते हुए कहा, तुम भूल गई,
अनुष्का, जब तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हुई थी तो खन्ना फैमिली ने तुम्हारी और दक्ष की एंगेजमेंट तोड़ने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई थी। खन्ना फैमिली को बस पैसों से मतलब है, वो लोग तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रणवीर ने अनुष्का को समझाते हुए कहा, क्योंकि वो कभी अनुष्का को लक्ष्य के साथ बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता था, क्योंकि अनुष्का उसकी लाइफ का बेस्ट पार्ट थी और साथ ही साथ वो कभी अनुष्का को किसी और के साथ नहीं देखना चाहता था सिवाय खुद के। माना लक्ष्य अभी तुम्हारे साथ है, मगर तुम्हारे पीठ पीछे उसने एक दूसरी लड़की ढूंढ ली है खुद के लिए, तुम प्लीज उसके साथ बेवकूफ मत बनो, रणवीर ने कहा। ये सब बातें कहने के बाद भी जब अनुष्का ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया तो रणवीर ने फिर से उसकी आर्म्स को खींचते हुए कहा, तुम सुन रही हो ना, क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करोगी कि लक्ष्य किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में है? अनुष्का, मैं नहीं देख सकता तुम्हें हर्ट होते हुए। रणवीर का ये कहना कि वो अनुष्का को हर्ट नहीं देख सकता अनुष्का को बहुत चुभा। अनुष्का ने गुस्से से अपना हाथ खींचते हुए बड़ी ही नफरत भरी स्माइल के साथ रणवीर को कहा, मुबारक हो, अब तुम उसी खन्ना फैमिली का हिस्सा बनने वाले हो। रणवीर नहीं चाहता था कि अनुष्का को पता लगे कि वो खन्ना फैमिली के घर गया था और अब वो उनकी फैमिली का हिस्सा बनने वाला है, मगर अनुष्का की बात सुनकर उसे बहुत शौक लगा और उसका फेस शर्म से झुक गया। अनुष्का उस पर बड़े ही सख्त तरीके से हंसते हुए वहां से पीछे मुड़कर घर जाने लगती है। अनुष्का, अनुष्का सुनो, मैं वो ही कर रहा हूं जो तुम्हारे लिए अच्छा है। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।